नमस्कार, विपिन टेक में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग में रिग्रेट के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रायपुर से हमने सिकंदराबाद के लिए ट्रेन को सर्च किया है और हमें यहाँ 2S में रिग्रेट शो हो रहा है, लेकिन स्लीपर में 18 सीट खाली है और 3rd AC में भी सीट खाली है। तो क्या इसका टिकट बुकिंग होगा कि नहीं होगा, या कन्फर्म सीट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आखिर यहाँ पर रिग्रेट क्यों शो हो रहा है, हम सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको ऐसे ही रेल संबंधित इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम बात करने वाले हैं रिग्रेट के बारे में। चलिए मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा बैक जाता हूँ, ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप यहां पे देख सकते हैं कि रायपुर से हमें सिकंदराबाद जाना है। हम यहां से कोई एक डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहां से 31 तारीख को डेट को सिलेक्ट किया, सर्च ट्रेन पे हम क्लिक करेंगे। सर्च ट्रेन पे हमने जैसे ही क्लिक किया था, आप यहां पे देख सकते हैं कि 2S में रिग्रेट लिखा हुआ है, लेकिन स्लीपर और AC में सीट अवेलेबल है। 2S में आप नीचे देख सकते हैं कि एक जो ट्रेन है इसमें रिग्रेट नहीं लिखा हुआ है, इसमें सीट अवेलेबल है, लेकिन ये भी 2S ही है। स्लीपर और 3rd AC में इसका भी सीट खाली है। चलिए हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया था, हमें पैसेंजर डिटेल्स का ऑप्शन आ गया। पैसेंजर डिटेल्स पे हमने जैसे ही क्लिक किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिख रहा है नो सीट अवेलेबल, प्लीज सिलेक्ट ए डिफरेंट जर्नी डेट। यह बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, यह पूरा का पूरा कोच फुल हो चुका है, आप इसका दूसरा डेट में बुकिंग कर लीजिए। रिग्रेट का मतलब यही होता है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ भी खाली नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यह रिग्रेट हो चुका है, यानी इसको नॉट अवेलेबल ही समझिए। रिग्रेट का मतलब यही होता है कि यहाँ पे कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, आप इसका बुकिंग नहीं कर सकते हैं, आप नेक्स्ट डेट में बुकिंग कर सकते हैं। आप मैंने इस पर क्लिक किया था, हमें नीचे में आप देख सकते हैं कि अदर डेट का ऑप्शन आया है। अदर डेट पे हमने जैसे ही क्लिक किया था, इसका मतलब ये हुआ कि हमें नेक्स्ट डेट को यह ट्रेन जब होगा हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। 31 को हमने ट्रेन को सर्च किया है, लेकिन यह ट्रेन 4 तारीख को है, 7 तारीख को है और 11 तारीख में भी आप यहां पे देख सकते हैं कि रिग्रेट ही शो हो रहा है, यानी 11 के डेट में भी यह ट्रेन पूरा का पूरा फुल हो चुका है, लेकिन 14 को यह ट्रेन खाली है। तो आप 31 को ना करके अगर आपको 2S ही बुकिंग करना है, तो आप यहां से 4 तारीख को बुकिंग कर सकते हैं, 7 तारीख को बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन स्लीपर में सीट इसका अवेलेबल है। अगर आप 31 तारीख को अगर 2S में सीट नहीं मिल पा रहा है, तो आप स्लीपर को बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्लीपर में तो सीट खाली था। रिग्रेट के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है IRCTC में टिकट बुकिंग करने में, तो आप हमारा चैनल पर जा करके एक से एक IRCTC रिलेटेड वीडियो देख करके सीख सकते हैं। हम IRCTC रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, आप हमारा चैनल पर जा करके वहाँ से देख करके सीख सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।